इधर पाई बटन कंप्लीट प्लेलिस्ट में जाएगा फोरियर सीरीज का। ओके, तो इस वीडियो में क्या करेंगे, जो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज का, कुछ वहां पे फॉर्मूले देखिए, है ना, सी नॉट क्या होता है, सी एन क्या होता है, सी एफ माइनस एन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज क्या होता है। तो उसके बेस में हम यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, क्वेश्चन देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो, अगर आप मेरे वीडियोस को सीख पाते हो तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करके अपना सपोर्ट दें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फाइंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, जो कि क्या दिया अपने यहाँ पे, ई के पावर माइनस एक्स दिया है। ओके, इन माइनस एल टू एल। ओके, देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल दिया ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन आपने क्या दिया, यहाँ पे ई के पावर माइनस एक्स दे दिया है, ठीक है, और इंटरवल साइज जो यहाँ पे क्या दिया है, माइनस एल टू एल दिया हुआ है। ओके, इंटरवल का साइज अपना क्या होगा, फिर इंटरवल अपना क्या है, माइनस एल टू एल है, तो इंटरवल साइज क्या होगा, दिस माइनस दिस जाएगा, तो वन माइनस ऑफ माइनस वन विल बिकम टू। ओके, तो यहाँ पे अपना जो लिमिट होगा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस वन टू वन हो जाएगा, ठीक है। द फोरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, अपने पता होना चाहिए फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होता है फोरियर सीरीज का, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन इन टू ई की पावर आई एन पाई एक्स अपॉन एल। ध्यान रखिएगा यहाँ एल क्या होता है, हाफ लेंथ होता है, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे रेंज दिया जाएगा, ओके, उसका हम यहाँ पे हाफ लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे आपका देखो रेंज क्या दिया हुआ है, वन माइनस ऑफ माइनस वन, दैट इज टू दिया कि नहीं आपको यहाँ पे लेंथ, सॉरी फॉर द नॉइज, यहाँ पे आपको जो लेंथ दिया दैट इज टू दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या बोला था आपको मैं, यहाँ पे हाफ लेंथ लेने के लिए, तो यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो भी आपका रहेगा, ओके, एल सॉरी वन माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन में टू, ठीक है, उसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। एल अपना क्या होता है, हाफ लेंथ ऑफ द इंटरवल साइज, और अपना इंटरवल साइज को हम किससे डिनोट करते हैं, बी माइनस एस इसको डिनोट करते हैं। बी माइनस ए की वैल्यू क्या है, बी अपना हो गया एल और ए अपना हो गया माइनस वन, तो वन माइनस ऑफ माइनस वन विल गिव मी टू। ओके, और 2l अपना क्या होता है, फुल लेंथ होता है। ओके, तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l इक्वल्स टू 2, तो l इक्वल्स टू अपना क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे l की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। वैसे मैं कह चुका हूँ अपना जो इंटरवल साइज दैट इज 2 हो गया है। ओके, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 2, तो जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, ओके, जो भी आपका इंटरवल साइज आएगा उसको अपन हाफ करेंगे, बिकॉज एल अपना क्या है, हाफ लेंथ है। ओके, हाफ लेंथ ऑफ इंटरवल साइज। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एल इक्वल्स टू 1 मिल गया। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो कि अपना क्या है, ई की पावर माइनस एक्स है, इक्वल्स टू अपना क्या हुआ, समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन इंटू ई की पावर आई एन पाई एक्स अपॉन एल को मत लिखेगा, बिकॉज एल के लिए यहाँ पे क्या है, 1 है। ओके, तो ये अपना क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और हमें इसी को फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। तो हमको इसको निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सी एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सी एन की वैल्यू क्या होता है उसको अपन लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सीन की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन में टू एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल एफ ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई एन पाई एक्स अपॉन में एल है, ठीक है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, अपने पास 1 दी हुई है। ओके, ठीक है, एल की वैल्यू अगर 1 है तो देखो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस 1 टू प्लस 1। ओके, लिमिट अपना क्या दिया है, माइनस 1 से लेके प्लस 1 तो दिया हुआ है। ओके, फंक्शन अपना क्या है, ई की पावर माइनस एक्स है इंटू ई की पावर माइनस एन पाई एक्स, है ना, ई की पावर माइनस आई एन पाई एक्स आएगा। ओके, क्योंकि एल अपना क्या यहाँ पे 1 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या बेस कॉमन है कि नहीं, तो क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस कॉमन है कि नहीं, माइनस बाहर निकाल दिया, और देखो यहाँ पे एक्स एक्स भी यहाँ पे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, 1 बचेगा, और यहाँ देखो अपने पास क्या बचेगा, आई एन पाई बचेगा। ओके, ठीक है, बाकी चीजें एज इट इज, दैट इज 1 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन माइनस 1 टू 1 ई की पावर माइनस ऑफ 1 प्लस आई एन पाई, ओके, ब्रैकेट क्लोज, एक्स डीएक्स हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे अगले वाले स्टेप में, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस आई एन पाई एक्स, है ना, आई एन पाई बाहर क्या लिखा, एक्स लिखा है, और नीचे अपना क्या रखा, जो एक्स कोफिशियंट दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस आई एन पाई, नीचे अपना आ गया। ओके, लिमिट गोज फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। ओके, ठीक है, तो ये जो है इसको अपन बाहर निकाल दिए विद नेगेटिव टर्म। ओके, माइनस वन अपॉन में टू वन प्लस आई एन पाई, इसको बाहर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को अपन यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे जब अपन 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर माइनस ऑफ 1 प्लस आई एन पाई रहेगा। ओके, माइनस लोअर लिमिट, कोई
तो अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ का नेगेटिव अपन क्या पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ ई की पावर आई एन वन प्लस आई एन पाई, ये अपना हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल स्टेप से इसको आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है फाइन। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर मैं नेगेटिव को अंदर इंसर्ट करता हूँ तो ये अपना टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और ये टर्म अपना क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखो अपना टर्म पॉजिटिव हो गया, दैट इज ई की पावर वन प्लस आई एन पाई माइनस ऑफ ई की पावर माइनस आई माइनस ऑफ वन प्लस आई एन पाई, हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव तो पहले यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नेगेटिव तो बाद में आ गया, बिकॉज ये माइनस वन क्या हुआ, अंदर में मल्टीप्लाई हो चुका और नीचे में क्या रहेगा, सब कुछ एज इट इज, दैट इज टू अपॉन में टू इंटू वन प्लस आई एन पाई, वन प्लस आई एन पाई, ये अपन नीचे आ चुका है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा। ठीक है जी, कौन सा ब्रैकेट बताओ, यहाँ जो ब्रैकेट है ना इसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर वन हो जाएगा इंटू ई की पावर आई एन पाई हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आ जाओ, माइनस हो गया, माइनस देखो यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन करें तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस वन हो जाएगा इंटू ई की पावर माइनस ऑफ आई एन पाई हो जाएगा। हो गया, नीचे अपना क्या लिखा यहाँ पे, एज इट इज दैट इज टू इंटू आई एन टू इंटू वन प्लस आई एन पाई। ठीक है, हमें पता है कि ई की पावर आई एक्स अपना क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता है, वैसे ही हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज ई की पावर माइनस आई एक्स इक्वल्स अपना क्या होता है, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स, देखो यहाँ पे क्या है, एन पाई है, वहीं देखो यहाँ पे क्या एक्स यहाँ पे एन पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे और इसको अपन इससे रिप्लेस करेंगे, बट ध्यान रखिएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो सी एन की वैल्यू दैट इज ई इंटू ई की पावर वन था, तो ई की पावर वन को अपन ई ले सकते हैं। ठीक है, ई इंटू कॉस ऑफ एन पाई प्लस आई साइन एन पाई माइनस ऑफ ई की पावर माइनस वन, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई माइनस आई साइन एन पाई। अपॉन में सब कुछ एज इट इज आएगा, दैट इज टू इंटू वन प्लस आई एन पाई। ठीक है, अब देखो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जीरो हो गया। वैसे ये भी अपना क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये देखो ई इंटू दिस दैट इज कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन पावर में एन होता है। तो दिस इंटू दिस दैट इज ये वाला पार्ट, माइनस को यहाँ लिख दिए, ई की पावर माइनस वन को एज इट इज लिख दिए, अगेन कॉस ऑफ एन पाई को हम क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर एन लिख दिए। ठीक है, अपॉन में ये जो लिखा हुआ है उसको अपन एज इट इज यहाँ लिख दिया, दैट इज टू इंटू वन प्लस आई एन पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ये जो पार्ट है दैट इज माइनस वन पावर एन जो लिखा हुआ है, ये अपना क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको अपन कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, ई इंटू सॉरी ई माइनस ई की पावर माइनस वन। अपॉन में ये जो टू है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया, और ये जो है इसको मैं अलग से लिख दिया, दैट इज वन अपॉन में वन प्लस आई एन पाई। और बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये अपने क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया कि नहीं, मुझे करना कि इसको रैशनलाइज करना है, तो कैसे रैशनलाइज करेंगे अपन, यहाँ पे देखो प्लस है कि नहीं, प्लस देखो कहाँ पर है, आई का कोफिशियंट देखो यहाँ पे क्या प्लस है, तो आई के कोफिशियंट क्या नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, आई के कोफिशियंट नेगेटिव, दैट इज इसका यहाँ पे रैशनलाइज कर लिए। ठीक है, तो वन प्लस आई एन पाई इंटू यहाँ पे वन अपॉन में था, तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस आई एन पाई अपॉन में वन माइनस आई एन पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, माइनस बी स्क्वायर दैट इज आई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, और ये जो है ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये भी अपन को पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में टू। बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला फॉर्म कौन सा, ये वाला है, और यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है, वन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स था यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्स के लिए क्या वन है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन साइन हाइपरबोलिक या हाइपरबोलिक ध्यान रखिएगा, साइन हाइपरबोलिक वन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है माइनस वन पावर माइनस को अपन यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो ये पूरा हो गया साइन हाइपरबोलिक वन, ये पूरा टर्म, ये अपना क्या होगा, माइनस वन पावर एन हो गया। ठीक है, नीचे में जो था दैट इज वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसको अपन नीचे लिख दिया बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट दैट इज वन माइनस ऑफ आई एन पाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं,
कोई उतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके तो माइनस वन पावर में एन यहाँ पे हो गया, साइन हाइपरबोलिक वन को अपन यहाँ लिख दिए, वन माइनस ऑफ आई एन पाई को अपन एज इट इज लिख दिए। मुझे पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, तो माइनस वन इंटू माइनस विल बिकम पॉजिटिव, दैट इज वन प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसको अपन यहाँ लिख दिए, एंड दिस इज वॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एन। ओके तो अगर मेरे पास सी एन की वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकाल सकते हैं। ओके तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या था अपने पास, यस ये था एफ ऑफ एक्स दैट इज ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन इंटू ई की पावर आई एन पाई एक्स था। ओके तो यही अपना क्या हुआ इक्वेशन नंबर वन जो अपन यहाँ पे देखो, यस ये अपना होगा इक्वेशन वन से, दैट इज ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू समेशन, ओके समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस वन पावर एन साइन हाइपरबोलिक वन इंटू वन माइनस आई एन पाई अपन वन प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ओके इंटू ये जो था दैट इज सी, ये अपना क्या पूरा बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक अपना क्या है सी एन की वैल्यू, सी एन इंटू ई की पावर आई एन पाई एक्स था। ओके और ये अपना क्या है विच इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। ओके थैंक यू।